हेलो फ्रेंड्स, इट्स योर फ्रेंड अभिषेक एंड वेलकम टू सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज पे भी जाके जुड़ सकते हैं इस लिंक की मदद से। व्हाट्सएप ग्रुप सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर पर जुड़ने के लिए आप इस व्हाट्सएप आइकन पर जाके चैट में लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे ट्विटर हैंडलर से भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिसमें आप मल्टीपल पेजेस काफ़ी एफिशिएंटली और काफ़ी क्विकली आप स्कैन कर सकते हैं और इसी सॉफ्टवेयर के अंदर में ही उसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। साथ ही में उसमें एक आध दो फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको बहुत कम स्कैनिंग सॉफ्टवेयर में मिलेंगे, जैसे कि उसमें OCR इनेबल जो आपको एक फीचर है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकनाइजेशन जिसको बोला जाता है, जिसमें कि आप क्या उसका यूज़ कर सकते हैं उसको भी हम देखेंगे। साथ ही में इसमें आप अपने अलग अलग प्रिंटर्स के लिए अलग अलग प्रोफाइल बना सकते हैं जिसमें कि आपको बार बार जाके हर बार स्कैन करने के पहले आपको सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए इस सॉफ्टवेयर को मैं देखता हूँ, जानते हैं हम। तो इस सॉफ्टवेयर को बताने का मेरा मतलब या मकसद ये है कि CC में अलग अलग सर्विसेज हैं जिसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, तो उसकी एक स्पेसिफिकेशन होती है, उसका एक साइज लिमिट होता है। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से वो परफेक्टली मैं उस डॉक्यूमेंट को उसी स्पेसिफिकेशन और साइज में सेव करने में काफ़ी मदद मिलती है मुझे इस सॉफ्टवेयर से। जैसे कि UTI ASL में जो पैन कार्ड का फॉर्म भरते हैं हम लोग, उसका जो स्कैनिंग होता है वो भी मैं इसी सॉफ्टवेयर की मदद से करता हूँ। साथ ही साथ NSDL में भी अगर कोई अपलोड करने वाला हूँ तो भी इसी सॉफ्टवेयर की मदद से करता हूँ। साथ ही हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में लेबर डिपार्टमेंट की जो सर्विसेज हैं उसमें भी डॉक्यूमेंट जो भराता है ऑनलाइन, उसका भी जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उसको स्कैन में इसी सॉफ्टवेयर की मदद से करता हूँ, तो काफ़ी समय बच जाता है मेरा। तो देखते हैं हम, इस सॉफ्टवेयर का नाम है NAPS2 करके है, ये फ्रीवेयर है, इसमें कोई भी ऐड या प्रीमियम आपको करने के लिए कोई भी मनी या अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि देख सकते हैं आप, इसको आप फ्री यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा ट्रायल पीरियड या ऐसा कुछ नहीं है, फुल वर्जन है ये, इसमें कोई आपको सब्सक्रिप्शन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले मैं इसका फीचर दिखाता हूँ आपको, प्रोफाइल बेस्ड जो है, जिसमें कि प्रिंटर में आप प्रोफाइल बना सकते हैं हर एक प्रिंटर के हिसाब से और नाम से एक प्रोफाइल बना सकते हैं। जैसे कि अभी मेरा नाम से है HP Lerza Camon 005 MFP। इसमें मैंने प्री डिफाइंड सेटिंग जो है वो रखी हुई है UTI ASL में, जो पैन कार्ड में स्कैनिंग लगती है उसके हिसाब से। तो मैंने कलर रख के रखा है इसको, आप ग्रेस के लिए ब्लैक एंड वाइट में भी कर सकते हैं। अगर आपका फिगर टाइप का स्कैनर है तो फिगर आप सेलेक्ट कर लीजिए, ड्यूप्लेक्स मतलब फ्रंट और बैक एक साइड एक साथ स्कैन करता है तो वो आप रख सकते हैं। साथ ही में आप रिजोल्यूशन जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब आप इसको सेव करके अलग अलग के हिसाब से, अलग अलग स्कैनर के हिसाब से आप अलग अलग सेटिंग बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर चूज डिवाइस में जाऊँ तो ये देखिए दो डिवाइसेस मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, एक एप्सन एक HP Lerza, तो दोनों के हिसाब से मैं अलग अलग प्रोफाइल जो है बना सकता हूँ और अलग अलग समय पे अलग अलग डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग स्कैनिंग के लिए मुझे बार बार सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक ही बार मैं सेटिंग कर देता हूँ। तो अब मैं दिखाना चाहता हूँ इसमें बैच स्कैनिंग जो है वो किस पर किस हिसाब से है। आप प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिए या प्रोफाइल जो आप सेलेक्ट कर लीजिए, सिंगल स्कैन में आपका सिंगल स्कैन होगा, मल्टीपल स्कैन प्रॉम बिटवीन स्कैन्स मतलब आपको जैसे अलग अलग पेजेस हैं एक बार में आपको स्कैन करना है तो प्रॉम के हिसाब से एक डायलॉग बॉक्स आएगा, एक पेज कंप्लीट हो जाने के बाद आप जैसे वो डायलॉग बॉक्स आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो तब जाके सेकंड पेज स्कैन होगा, वो भी मैं उसको मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरा बाय डिफॉल्ट है इस प्रोफाइल में, मल्टीपल स्कैन में फिक्स डिले में अगर आप करते हैं तो इसमें आपका मल्टीपल पेजेस का स्कैन होगा जो कि हर थोड़ी थोड़ी देर में आपका ऑटोमेटिकली उस टाइम लिमिट के बाद स्कैनिंग चालू हो जाएगी। तो अगर आपको मल्टीपल पेजेस फास्टली परफॉर्म करने और आपको फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम आपके पेजेस के बीच का ट्रांजेक्शन आपको पता है टाइमिंग, तो आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो है रिकमेंड करूंगा इसमें कि मल्टीपल स्कैन फ्रॉम बिटवीन स्कैन से आप यूज़ करें, क्योंकि कई बार टाइम लिमिट एग्जैक्ट समझ में नहीं आता तो उसके कारण स्कैनिंग जो है प्रॉब्लम आ जाती है बीच में।
लोड इमेजेस इनटू एनएपीएस, मतलब इस सॉफ्टवेयर में जो है इमेजेस जो स्कैन होंगी वो लोड होंगी, या तो आप एक सिंगल फाइल बना सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से, या तो मल्टीपल फाइल्स, जैसे आप हर एक जो स्कैन करेंगे उसके लिए मल्टीपल फाइल बना सकते हैं, या तो एक सिंगल पीडीएफ बना सकते हैं मल्टीपल पेजेस की। तो मैं यहाँ पर फिलहाल लोड इमेजेस टू एनएपीएस टू करूँगा, क्योंकि मैं कुछ एडिटिंग भी इसमें इस सॉफ्टवेयर की मदद से परफॉर्म करके सेव करना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारा पहला डॉक्यूमेंट जो है स्कैन हो रहा है, फर्स्ट पेज डॉक्यूमेंट का। देखिए जैसे कि मैंने मल्टीपल पेजेस स्कैन करने के लिए प्रॉम्प्ट बिटवीन स्कैन किया था, देखिए प्रॉम्प्ट आ जाता है। अगर मैं सेकंड पेज भी स्कैन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लूंगा, ये मेरा सेकंड पेज भी स्कैन हो जाएगा। ये आपका सेकंड पेज भी स्कैन हो गया। और अगर आप स्कैन आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप स्कैन पे क्लिक करके पेजेस बदल बदल के आप स्कैन कर सकते हैं। और इसे आप डन कर लीजिए और यहाँ से क्लोज कर दीजिए। ये हमारे दोनों जो इमेजेस हैं वो स्कैन हो चुके हैं। अब अगर हम चाहें तो इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। पहले हम इसमें क्रॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि कुछ वाइट एरियाज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। से लेफ्ट साइड में थोड़ा क्रॉपिंग, राइट साइड से थोड़ा क्रॉपिंग और ओके। तो ये हमारे दो इमेजेस हैं, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं ताकि दोनों डिफरेंस पता चल सके। अब हम देखते हैं इसमें अगर आपको ब्राइटनेस और कंट्रास्ट भी आपको चेंज करना है स्कैनिंग में जो सेटिंग के बावजूद, तो आप ब्राइटनेस और कंट्रास्ट भी इस इमेज में चेंज कर सकते हैं। अगर रोटेट करना चाहें तो सेलेक्ट करके आप रोटेट भी कर सकते हैं। अगर इमेज को पहले या बाद में आपको करना है तो फर्स्ट पेज सेकंड पेज के हिसाब से भी आप इसे सीरियल वाइज सेट कर सकते हैं। और इसमें आप इमेजेस के टाइप में भी इसको सेव कर सकते हैं। इमेज की सेटिंग में जाके आप इसे इसका फोल्डर का पाथ देख सकते हैं, साथ ही में जेपीजी क्वालिटी क्या रहेगी उसको भी आप सेट कर सकते हैं। अगर चाहे तो आप इसे पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं, या तो इसे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल सेटिंग में आप जाके अपने ईमेल आईडी को प्रोवाइड कर दीजिए, तो ये ईमेल भी आप इसकी मदद से कर सकते हैं। पीडीएफ की सेटिंग भी आप कम ज़्यादा या समथिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें आप बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, इसमें आप जैसे सिंगल इमेज है तो इसे सिंगल इमेज को अगर आप सेव करना चाहें तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, या अगर मल्टीपल इमेजेस हैं उसको दोनों को सेलेक्ट करके भी आप उसका एक पेज बना सकते हैं, या तो चाहे सिंगल सिंगल सेलेक्ट करके एक एक भी आप पेज अभी भी बना सकते हैं वहाँ पर, आपने भले स्कैनिंग सब एक साथ की हो उसके बावजूद। तो इस प्रकार से अगर मुझे अलग अलग नाम से या अलग अलग पेजेस का अलग अलग नाम से कोई सेव करना है तो इसकी मदद से मैं कर सकता हूँ स्कैनिंग होने के बाद भी। तो ये मुझे प्रोवाइड करता है एनएपीएस 2 में। इसके साथ ही अगर हम देखना चाहें तो इसमें एक OCR करके एक सर्विस है या ऑप्शन है या फंक्शनैलिटी आप बोल सकते हैं, जिसमें कि ये होता है कि ये ऑप्टिकल करेक्टर जो होता है, मतलब इमेज में जो करेक्टर होता है उसको रिकोगनाइज करके उसको रीड करता है और उसको करेक्टर के फॉर्म में PDF सेव करता है। तो जैसे कि मैं इसमें एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि अभी मान लीजिए मैं इसे सेव करता हूँ इस सिंगल फाइल को Cast1 नाम से। तो जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर OCR इनेबल्ड होता है, अगर मैंने OCR इनेबल्ड करके रखा हुआ है तो इससे क्या होता है कि जो PDF बना है तो एक JPG इमेज के फॉर्म पे है, लेकिन फिर भी जो डेटा है जो रिटर्न फॉर्म में है उसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, उसको किसी नोटपैड में या स्टिकी नोट में उसे पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑफिस सेलेक्ट कर लिया मैंने,
इसे यहाँ पर स्लीपी नोट में आके पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ऑफिस जो है आके पेस्ट हो गया है। वैसे अगर मैं नेम को भी लाना चाहूँ तो नेम को भी यहाँ पर ला सकता हूँ। साथ ही मैं अगर मैं इस पीडीएफ में कोई डेटा सर्च करना चाहूँ, जैसे कि मोबाइल नंबर है 9300516325 यहाँ पे, उसको अगर मैं सर्च करना चाहूँ तो इसमें इजीली सर्च कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। या मैं और कुछ सर्च इसमें करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मेरे ऊपर कि ये जो है OCR इनेबल्ड पीडीएफ जो है बना है, जिसमें कि मैं डायरेक्टली किसी भी टेक्स्ट जो इसमें इमेज में है उसको मैं करेक्टर के फॉर्म में सेलेक्ट कर सकता हूँ, खोज सकता हूँ और उसे किसी दूसरे एप्लीकेशन में ले जाके उसमें एडिटिंग भी परफॉर्म कर सकता हूँ। तो इसमें ये एक फीचर बहुत अच्छा है। अगर आप OCR इनेबल्ड नहीं करते हैं तो कैसे इसमें सेव होता है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। अगर मान लीजिए आपने OCR इनेबल्ड नहीं रखा है, मान लीजिए मैं OCR बंद कर दे रहा हूँ और अब जो है मैं एक स्कैन करूंगा एक पेज को। ये जो इमेज है हमारा, अगर हम मैं इससे सेव करूँ विदाउट OCR जो है, इसको मैं Cache2 नाम से सेव कर दूँ, तो आप इसमें देखेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ इसे पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं, लेकिन इसे अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो पूरा ब्लॉक सेलेक्ट हो रहा है। कोई पर्टिकुलर अगर मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ सेलेक्ट नहीं हो रहा। साथ ही साथ अगर मैं अब वही नंबर इसमें डाल के सर्च करूँ इसमें, तो भी सर्च नहीं हो पाएगा, क्योंकि OCR के द्वारा ये करेक्टर जो है रिकॉग्नाइज करके उसको कन्वर्ट इसमें नहीं कर पाया है, जिस कारण मैं ये स्कैनिंग के बाद या PDF कन्वर्ट करने के बाद या JPG में भी करने के बाद मैं उसमें करेक्टर जो है डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, ना ही स्कैन कर सकता है। तो ये एक फीचर इसमें OCR का काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो सॉफ्टवेयर में तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर लीजिए इस वीडियो के नीचे। और अगर आप इस सॉफ्टवेयर को लेना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, प्लीज़ वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू गाइज़।